सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज, अभी मैं दो तीन दिन से, यार मतलब एक वीक से लगभग वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। उसका मेन रीजन ये है कि मेरे एग्जाम चल रहे थे और फाइनली गाइज एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अभी मैं फ्री हूँ। अभी प्रैक्टिकल बच्चा ज्योग्राफी का, और देखते हुए कब होगा वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। सो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और जस्ट उठा मतलब ब्रश व्रश करके सब हो चुका हूँ, फ्रेश, बाल बाल भी झाड़ लिए हैं। ऋतिक भी आज जस्ट उठ चुका है। सो गाइज, अभी का प्लान ये है कि अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है यार, एक्चुअली रैंडमली चालू कर दिया और देखते हैं आज के डे में क्या क्या कर सकते हैं। सो फिलहाल तो ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और आप ब्लॉग पे बने रहिएगा। चलिए फिर, तब तक देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। सो हे गाइज, अभी दिन के बज रहे हैं 12:15। सो गाइज, अभी बहुत सारे वर्क थे, जैसे कि बाजार में जाना, कुछ लाने था, और दूसरा काम था अपना कोचिंग पढ़ाना। छोटे मोटे काम में लगा के बहुत सारे काम हो गए थे, मैं करते 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 फिलहाल अभी खाली हुआ हूँ और दिन के बच्चे के 12:15। तो गाइज, अभी यहाँ मैंने अपने नोट्स रखे हैं जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना, डेली लिखता हूँ। तो ये रहे नोट्स, तो अभी लेते हैं इनको, स्टार्ट करते हैं लिखना अपना। अभी एक्चुअली केमिस्ट्री का नोट्स है, तो उसमें देखता हूँ, दिखाता हूँ अभी आपको क्या लिख रहा हूँ। सो गाइज, अभी मैंने स्टार्ट किया ये नया चैप्टर 15, पॉलीमर्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री का, जो कि अभी थोड़ा सा सिर्फ एक पेज कंप्लीट हुआ है, और इससे पहले बहुत सारे चैप्टर से, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है गाइज, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो ये आप देख रहे हैं काफी मतलब हाई लेवल का है, लगभग जेई और नीट के लेवल तैयारी कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि ये तैयार रहेगा तभी मैं कुछ पढ़ा पाऊंगा, तो इसीलिए धीरे धीरे मेहनत की जा रही है। और ये लास्ट चैप्टर और बचा है पॉलीमर्स, बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर आपका खत्म हो जाएगा अभी, काफी लंबा चैप्टर है गाइस, देखिए यहां से इसकी शुरुआत हुई है, लगभग 12-15 पेज ये लगभग कवर कर चुका है ये चैप्टर, और चैप्टर नंबर आपका 14, चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स। गाइज, अभी पॉलीमर चैप्टर खत्म करने के बाद मैं आपसे, सो हे गाइज, अभी दिन के बज चुके हैं 2:30 और जो वर्क था वो लिख रहा था, और खाना भी आ चुका है क्योंकि भूख भी तेज से लग रही थी, तो खाना आ चुका है, जस्ट खाते हैं और फिर इसके बाद अपना कंटिन्यू लिखेंगे। और 2:30 बज चुके हैं और लगभग 4:30 बजे तक बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले तो खाना खा लेते हैं, काफी ज्यादा भूख लगी। और खाने में गाइज, अभी दोपहर में क्या क्या आया, ये अपना थोड़ा सा चावल है, लौकी की भुजिया है, और ये थोड़ी सी दाल है, तो गाइज इतना ही खाते हैं। सो गाइज खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइज, अभी खाना खाने के बाद अपने पास आया है मैंगोस, यानी कि आम, जो कि हमारे पेड़ पर ही हम लोगों ने इसको तोड़ करके उसको पकाया था, जस्ट पक चुके हैं, और देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है, काफी हालांकि बढ़िया ही होगा टेस्ट। तो गाइज, ये रहे मैंगोस, तो काफी मस्त लग रहे हैं अभी तो देखने में, खाने पता नहीं कैसे होंगे। सो गाइज, फाइनली खाना खा लिया है और पेट भी भर चुका है। तो गाइज, लगभग मैं 1.5-1.5 घंटे से लिख रहा था, और बीच में मैंने यूट्यूब और कुछ इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह भी चेक किया था। तो गाइज, अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट जरूरी है क्योंकि थोड़ी सी नींद भी आ रही है, तो रेस्ट करते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे लगभग। सो हे गाइज, अभी सो के उठा हूँ और दिन के बज रहे हैं 4:30 हो चुके हैं। तो गाइज, अभी चलता तुरंत नहाऊंगा और उसके बाद फ्रेश होते हैं, क्योंकि बच्चे भी लगभग आने ही वाले होंगे 5-10 मिनट में, तब तो फटाफट तैयार होते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे का कार्यक्रम क्या, फिलहाल तो चलते हैं। सो हे गाइस, अभी नहा चुका हूँ, अभी बच्चे बाहर आ चुके हैं। सो गाइस, चलते हैं फटाफट, उनको पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आपसे फाइनली पढ़ाने के बाद 6 बजे ही बात। सो हे गाइस, अभी नहा लिया हूँ और जस्ट अभी लाइट कटी है, और गाइस शाम को नहाने का मेरा रीजन यही है कि सुबह मैं वर्कआउट नहीं कर पाता, मतलब थोड़ी सी बॉडी को वर्कआउट करना जरूरी है, और गाइस उसका रीजन ये है कि सुबह मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, उठते ही मुझे 15-20 मिनट आधे घंटे तैयार होकर रेडी होते हैं, क्योंकि 5:30 बजे तक बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए सुबह, क्योंकि बच्चों के भी अभी समर वेकेशन चलते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा ना, क्योंकि जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं 11th-12th में,
उनका मैं, जो कि मेनली बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनका मैं कोर्स इसी लगभग लगभग खत्म करने की मेरी कोशिश रहती है। और क्योंकि एज ए मैं, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग पे ही बच्चों को पहले से बता देता हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं ये नहीं देखता कि किस बच्चे का, मेरे को मतलब मंथली से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को बस एक मतलब है कि बच्चों मैं कितने बार रिवीजन करवा दूं चैप्टर्स, यानी कि जितना कोर्स मैं कितनी बार रिवीजन करा दूं, मैं इस पे डिपेंड करता हूं। सो गाइस इसीलिए मैं सुबह 5:30 बजे बच्चों को बुला लेता हूं और लगभग 8 बजे तक पढ़ाता हूं, फिर शाम को 4:30 बजे बुलाता हूं, फिर उनको लगभग क्योंकि अभी तो 7 बजे तक उजाला रहता है तो 7 बजे तक पढ़ाता हूं उनको मैं। तो गाइस ये सब रूटीन है डेली का, और देखिए इसीलिए कोई वर्कआउट नहीं हो पाता। सो गाइस इसीलिए अभी शाम को लगभग 7:30 बजे के बाद मैं थोड़ा वर्कआउट किया हूँ बॉडी का, और एक्चुअली और उसके बाद थोड़ा सुनाया हूँ, और जस्ट अभी लाइट कटी, मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट ही करा तब तक लाइट कट गई। सो गाइस यही सब रीजन है, और इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता क्योंकि यार लाइट का कोई ठिकाना तो रहता नहीं है, जस्ट अभी अभी कटी लाइट, क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं है गाइस। सो गाइस आई होप ब्लॉग में आज को इतना ही, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।